नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट एंगल पे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम मिश्रा। तो T20 वर्ल्ड कप 2022 का 21st मैच खेला जाएगा 26 अक्टूबर को न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के बीच में मेलबर्न के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में इंडियन टाइम के हिसाब से दोपहर में 1:30 बजे से यानी कि 1:30 PM से। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इस मुकाबले का कंप्लीट मैच प्रीव्यू करने वाला हूं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इस मुकाबले के लिए मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की पिच रिपोर्ट क्या है, वहीं पर इस मैच में दोनों टीमें किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरने वाली हैं। इसके अलावा दोस्तों इस मुकाबले में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की पिच पर कौन से गेंदबाज और बल्लेबाज ज्यादा इफेक्टिव साबित होंगे और किसको आपको अपनी फैंटेसी 11 में लेना चाहिए, वहीं पर इस मुकाबले का मैच प्रेडिक्शन भी करने वाला हूं। तो ओवरऑल A to Z कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस मुकाबले से जुड़ी इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए दोस्तों वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव, इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें, ताकि आपको क्रिकेट और IPL से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और अपडेट्स लगातार मिलती रहे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगर आप T20 वर्ल्ड कप 2022 में एक्यूरेसी के साथ टॉस, मैच और सेशन की प्रेडिक्शंस पाना चाहते हो तो आप एक बार राहुल क्रिकेट प्रेडिक्शन के साथ कांटेक्ट जरूर करें, आपको इनकी डिटेल्स स्क्रीन पर शो रही होंगी। इसके अलावा इनका व्हाट्सएप नंबर आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इनका काम दोस्तों काफ़ी बेहतरीन है, इसलिए मैं ज़रूर सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप इनके साथ कॉन्टैक्ट ज़रूर करें। हालांकि ये ड्रीम 11 की प्रेडिक्शंस नहीं करते हैं, मैच प्रेडिक्शंस करते हैं। तो अगर आपको मैच से रिलेटेड कोई भी प्रेडिक्शन चाहिए तो आप इनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आज के मैच की ये प्रेडिक्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में करने वाले हैं, तो जाइए बिल्कुल मुफ्त में इनके बेहतरीन प्रेडिक्शन का एडवांटेज लीजिए। और अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस मुकाबले के लिए मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के बारे में। तो अगर हम रीसेंट T20 इंटरनेशनल मैचेस के रिकॉर्ड्स की बात कर लें तो जो इस मैदान पर लास्ट 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले गए हैं उसमें से सभी पांचों मैचेस सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। इसके अलावा एवरेज फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 146 रन का है, जबकि एवरेज सेकंड इनिंग्स का स्कोर 148 रन का रहा है। तो आप इन लास्ट 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस के स्टैट से क्लियरली देख सकते हो कि जो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की पिच है इसने सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम्स को एडवांटेज दिया है, इसीलिए चेजिंग टीम्स ने सभी पांचों मैचेस जीते हैं। जबकि एवरेज इनिंग्स के जो स्कोर्स हैं वो आपको ज्यादा बड़े नजर नहीं आ रहे हैं, लगभग 150 के आसपास ही हैं। इसका मतलब ये हाई स्कोरिंग वेन्यू नहीं है, यहाँ पे आपको ज्यादातर मीडियम स्कोरिंग मैचेस ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के जो बाउंड्री डायमेंशंस हैं वो काफी बड़े हैं, 85 मीटर और 90 मीटर के आसपास यहाँ पर बाउंड्रीज हैं। इसी वजह से छक्के मारना बल्लेबाजों के लिए इस मैदान में काफी ज्यादा मुश्किल साबित होता है, बहुत ही कम सिक्सेस इस मैदान पर लगते हैं और चौके मारना भी कठिन होता है। सिंगल, डबल, ट्रिपल रन्स बल्लेबाज यहाँ पे ज़्यादातर भाग के बनाते हैं, इसी वजह से बहुत बड़े स्कोर आपको इस मैदान पर देखने को नहीं मिलते हैं। और फर्स्ट इनिंग्स में तेज़ गेंदबाजों को शुरुआती ओवर्स में काफ़ी ज़्यादा स्विंग मिलती है, वहीं पर उनको एक्स्ट्रा बाउंस भी मिलता है, जिसकी वजह से पहली इनिंग्स में बल्लेबाजी करना इस पिच पर मुश्किल साबित होता है। यहाँ पर पहली पारी में दोस्तों ज़्यादा बड़े स्कोर आपको देखने को नहीं मिलते, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता जाता है ये पिच बल्लेबाजी के लिए बेहतर होती चली जाती है, इसी वजह से सेकेंड इनिंग्स में स्कोर चेस करना कंपैरेटिवली आसान साबित होता है। और इसका एग्जाम्पल आपने इंडिया और पाकिस्तान के बीच खेले गए पिछले मुकाबले में देखा भी होगा, जहां पर इंडियन फास्ट बॉलर्स ने पहली इनिंग्स में गेंदबाजी करते हुए बेहतरीन गेंदबाजी करी थी, उनको काफी ज्यादा स्विंग भी मिल रही थी, इसी वजह से उन्होंने पाकिस्तान के शुरुआती कई सारे बल्लेबाजों को स्विंग से आउट किया था। तो यहां पर भी दोस्तों इस मुकाबले में आपको ऐसा देखने को मिल सकता है कि जो टीम फर्स्ट इनिंग्स में गेंदबाजी करेगी उस टीम के फास्ट बॉलर्स इस मैच में ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं और पहली पारी में दोस्तों आपको शायद ज्यादा बड़ा स्कोर देखने को ना मिले। ऐसे में मुझे लगता है कि इस मुकाबले में भी जो कप्तान टॉस जीतेगा वो पहले गेंदबाजी करने का फैसला करेगा और चेजिंग टीम्स को फिर से एडवांटेज मिल सकता है। हालांकि अगर फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम 170 के ऊपर स्कोर बना देती है तो वो स्कोर यहां पर डिफेंड भी हो सकता है, लेकिन अगर 170 के नीचे स्कोर रह जाएगा फर्स्ट इनिंग्स में तो उसके चेज होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। इसके अलावा अगर हम बात कर लें इस मैदान के पिछले 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस के कुछ रिकॉर्ड्स की, तो जो हाईएस्ट टोटल इस मैदान पर बना है वो इंडिया का है पाकिस्तान के खिलाफ 160 रन फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। लोएस्ट टोटल जो है वो इंग्लैंड का है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 137 रन फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। हाईएस्ट टोटल जो चेस हुआ है वो इंडिया ने किया है पाकिस्तान के खिलाफ 160 रन 6 विकेट के नुकसान पर। और अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि इस मुकाबले में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की पिच पर कौन से गेंदबाज ज्यादा इफेक्टिव साबित होंगे, स्पिनर्स या फास्ट बॉलर्स। तो जो लास्ट 6 T20 इंटरनेशनल मैचेस इस मैदान पर खेले गए हैं अगर हम उनके रिकॉर्ड्स की बात कर लें तो टोटल 48 विकेट्स फास्ट बॉलर्स ने लिए हैं, जबकि 9 विकेट्स स्पिनर्स को
मिले हैं। राइट आर्म फास्ट बॉलर्स ने 40 विकेट्स लिए हैं, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स को 8 विकेट मिले हैं। राइट आर्म ऑफ स्पिनर्स और राइट आर्म लेग स्पिनर्स ने 1-1 विकेट लिया है, जबकि लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को टोटल 7 विकेट्स मिले हैं। तो ये जो लास्ट 60-20 इंटरनेशनल मैचेस के स्टैट्स है वो आपको क्लियरली बता रहे हैं कि जो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की पिच है यहाँ पर तेज गेंदबाजों का ही दबदबा देखने को मिलता है। इसी वजह से फास्ट बॉलर्स ने कंपैरेटिवली इतने ज्यादा विकेट्स चटकाए हैं। जो पिछला मुकाबला इस मैदान पर खेला गया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, वहां पर भी आपको फास्ट बॉलर्स का ही डोमिनेशन देखने को मिला था। फर्स्ट इनिंग्स में इंडिया के फास्ट बॉलर्स को काफी ज्यादा स्विंग मिल रही थी, इसके अलावा उनको बाउंस भी मिला था, जिसकी वजह से पहली पारी के जो शुरुआती ओवर्स थे वहां पर पाकिस्तान के बल्लेबाजों को बल्लेबाजी करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी और इंडिया के फास्ट बॉलर्स ने काफी ज्यादा विकेट्स शुरुआती ओवर्स में चटकाए थे। इनफैक्ट फर्स्ट इनिंग्स के सभी विकेट्स इंडिया के फास्ट बॉलर्स के ही खाते में गए थे। तो यह आपको साबित कर देता है कि यहां पर पहली पारी में तेज गेंदबाजों को काफी ज्यादा मदद रहती है और यहां पर इस मुकाबले में भी आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा कि जो टीम फर्स्ट इनिंग्स में गेंदबाजी करेगी उस टीम के फास्ट बॉलर्स काफी ज्यादा इफेक्टिव होंगे। हालांकि सेकंड इनिंग्स में आपको इस पिच पर उतनी स्विंग देखने को नहीं मिलती है, पर इसके बावजूद सीव मूवमेंट सेकंड इनिंग्स में मौजूद होती है और एक्स्ट्रा बाउंस भी रहता है, जिसकी वजह से सेकंड इनिंग्स में भी फास्ट बॉलर्स इफेक्टिव होंगे। ओवरऑल दोस्तों इस मुकाबले में भी आपको तेज गेंदबाजों का ही दबदबा देखने को मिलेगा। स्पिनर्स के लिए इस मैदान पर ज्यादा हेल्प मौजूद नहीं है, हालांकि थोड़ी बहुत ग्रिप एंड टर्न लेफ्ट आर्म स्पिनर्स और राइट आर्म लेग स्पिनर्स को देखने को मिल सकती है, लेकिन इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इस मैच में स्पिनर्स का रोल बड़ा होने वाला है। आपको इस मैच में भी तेज गेंदबाज ही ज्यादा इफेक्टिव साबित होते हुए नजर आएंगे। इसलिए मेरा आपको ओवरऑल सजेशन यही रहेगा कि अगर आप फैंटेसी 11 बना रहे हैं तो आपको अपनी प्लेइंग 11 में फास्ट बॉलर्स ज्यादा रखने चाहिए इन कंपैरिजन टू स्पिनर्स, और आप 4-1 के कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हो, जहां पर आप 4 फास्ट बॉलर और 1 स्पिनर को अपनी फैंटेसी 11 में रख सकते हो। उस 1 स्पिनर में आप राइट आर्म लेग स्पिनर या फिर लेफ्ट आर्म स्पिनर के साथ जा सकते हो। और इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस मुकाबले के लिए दोनों टीमों की एक्यूरेट प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले अफगानिस्तान की प्लेइंग 11 के बारे में बात कर लें तो अफगानिस्तान के बल्लेबाजों को पिछले मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ पेस और बाउंस की वजह से काफी ज्यादा परेशानी हुई थी, जिसकी वजह से उनकी पूरी टीम महज 112 रन पर ही ऑल आउट हो गई थी, और इस मुकाबले में भी उनको पेस और बाउंस का फिर से सामना करना पड़ेगा। तो इस बार देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अफगानिस्तान के बैट्समैन किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि पिछले मुकाबले में मिली हार के बाद ये अपनी प्लेइंग 11 में ज्यादा बदलाव करेंगे, बैटिंग ऑर्डर एज इट इज नजर आएगा। गेंदबाजी डिपार्टमेंट में शायद एक बदलाव हो सकता है, फरीद अहमद मलिक की जगह आपको नवीनुल हक प्लेइंग 11 का हिस्सा बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो जो अफगानिस्तान की प्लेइंग 11 है वो कुछ इस प्रकार की नजर आ सकती है। ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे हजरतुल्ला जजाई के साथ विकेट कीपर रहमानुल्ला गुरबाज, नंबर 3 पर आ सकते हैं इब्राहिम जादरान, नंबर 4 पर उस्मान घनी, नंबर 5 पर नजीबुल्ला जादरान, नंबर 6 पर कैप्टन मोहम्मद नबी, नंबर 7 पर राशिद खान, नंबर 8 पर अजमतुल्ला उमरजई, नंबर 9 पर मुजीबुर रहमान, नंबर 10 पर नवीनुल हक या फिर फरीद अहमद मलिक में से कोई एक खेलेगा, और नंबर 11 पर फजल हक फरूकी आ सकते हैं। दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस मुकाबले के लिए न्यूजीलैंड की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में। तो दोस्तों न्यूजीलैंड की शुरुआत टी20 वर्ल्ड कप 2022 में बेहद ही शानदार हुई है, जहां पर उन्होंने अपने पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ धमाकेदार जीत हासिल करी थी। हालांकि इस जीत के बावजूद आपको इस मुकाबले के लिए न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जो उनके स्टार ऑलराउंडर हैं डैरिल मिचेल अब वो पूरी तरीके से फिट हो चुके हैं और मोस्ट प्रोबेबली वो आपको इस मुकाबले की प्लेइंग 11 में नजर भी आएंगे। इसके अलावा पिच की कंडीशंस को देखते हुए हो सकता है कि न्यूजीलैंड का टीम मैनेजमेंट टीम साउदी को बिठाकर उनकी जगह पर एडम मिलने को भी प्लेइंग 11 में शामिल कर ले। तो जो न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 है वो कुछ इस प्रकार की नजर आ सकती है। ओपनिंग करते हुए आपको नजर आ सकते हैं फिन एलन के साथ विकेटकीपर डिवॉन कॉनवे, नंबर 3 पर आएंगे कैप्टन केन विलियमसन, नंबर 4 पर ग्लेन फिलिप्स, नंबर 5 पर जेम्स नीशम, नंबर 6 पर डैरिल मिचेल, नंबर 7 पर मिचेल सैंटनर, नंबर 8 पर इश सोढ़ी, नंबर 9 पर ट्रेंट बोल्ट, नंबर 10 पर टीम साउदी या फिर एडम मिलने में से कोई एक खेलेगा, और नंबर 11 पर लॉकी फर्ग्यूसन आ सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस मुकाबले की मैच प्रेडिक्शन के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात कर ले तो न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का टी20 इंटरनेशनल में आमना सामना सिर्फ एक मैच में हुआ है और उस मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने जीत हासिल करी थी। अब अगर हम बात कर ले दोनों टीमों की टी20 इंटरनेशनल्स में रीसेंट फॉर्म की तो न्यूजीलैंड की टीम ने अपने लास्ट 5 टी20 इंटरनेशनल मैचेस में से 3 मैचेस जीते हैं, 2 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा था। दूसरी तरफ अफगानिस्तान की टीम ने अपने लास्ट 5 टी20 इंटरनेशनल मैचेस में से सिर्फ एक मैच जीता है और 4 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा था।
तो आप फॉर्म वाइज क्लियरली कह सकते हो कि जो न्यूजीलैंड की फॉर्म है वो अफगानिस्तान के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है। इसके अलावा अगर हम कंपैरिजन कर लें दोनों टीमों की परफॉर्मेंस पिछले 10 T20 इंटरनेशनल मैचेस में, तो न्यूजीलैंड का विनिंग परसेंटेज 60 का है जबकि अफगानिस्तान का 50% है। एवरेज स्कोर के मामले में भी न्यूजीलैंड बेहतर है 163 जबकि अफगानिस्तान का 134 है। हाईएस्ट स्कोर के मामले में भी न्यूजीलैंड बेहतर है 215 जबकि अफगानिस्तान का 189 है। और लोएस्ट स्कोर के मामले में भी न्यूजीलैंड बेहतर है 98 जबकि अफगानिस्तान का 95 है। तो लास्ट 10 T20 इंटरनेशनल मैचेस में भी न्यूजीलैंड की जो परफॉर्मेंस है वो अफगानिस्तान के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही है। इसके अलावा रीसेंट फॉर्म भी न्यूजीलैंड की बहुत ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है। तो इन सभी आंकड़ों के हिसाब से अगर बात की जाए तो न्यूजीलैंड का पलड़ा इस मैच में भारी नज़र आ रहा है। और अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस मुकाबले के लिए दोनों टीमों की तरफ से की प्लेयर्स की जो इस मैच में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और आप इन्हें अपनी फैंटेसी 11 का हिस्सा भी बना सकते हो। तो अगर हम सबसे पहले बल्लेबाजों की बात कर लें तो आप अफगानिस्तान की टीम की तरफ से इब्राहिम जादरान के साथ जा सकते हो। पिछले 10 मैचेस में 290 रन बनाए हैं 36 के एवरेज और 109 के स्ट्राइक रेट के साथ। इसके अलावा आप रहमानुल्लाह गुरबाज को भी इस फैंटेसी 11 में रख सकते हो। पिछले 10 मैचेस में 244 रन बनाए हैं 24 के एवरेज और 155 के स्ट्राइक रेट के साथ। न्यूजीलैंड की से आप डिवॉन कॉनवे के साथ जा सकते हो। पिछले 9 मैचेस में 431 रन बनाए हैं 72 के एवरेज और 132 के स्ट्राइक रेट के साथ। इसके अलावा आप ग्लेन फिलिप्स को भी इस फैंटेसी 11 में रख सकते हो। पिछले 10 मैचेस में 276 रन बनाए हैं 39 के एवरेज और 172 के स्ट्राइक रेट के साथ। और अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं बॉलर्स की। तो अगर हम सबसे पहले अफगानिस्तान के गेंदबाजों की बात कर लें तो यहां से आप मुजीबुर रहमान के साथ जा सकते हो। पिछले 10 मैचेस में 13 विकेट्स लिए 5.94 की इकोनॉमी और 16.61 के स्ट्राइक रेट के साथ। इसके अलावा आप राइट आर्म लेग स्पिनर राशिद खान को भी इस फैंटेसी 11 में रख सकते हो। पिछले 10 मैचेस में 10 विकेट्स लिए 6.78 की इकोनॉमी और 22.20 के स्ट्राइक रेट के साथ। अफगानिस्तान की टीम की तरफ से आप लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर फजल अक फरूकी को भी इस फैंटेसी 11 में रख सकते हो। न्यूजीलैंड की तरफ से आप टीम सऊदी के साथ जा सकते हो। पिछले 9 मैचेस में 14 विकेट्स लिए 8.22 की इकॉनमी और 14.64 के स्ट्राइक रेट के साथ। अगर ये मुकाबला नहीं खेलते हैं तो फिर आप लॉकी फर्ग्यूसन को भी इस फैंटेसी 11 में रख सकते हो। इसके अलावा आप माइकल ब्रेसवेल के साथ भी जा सकते हो। पिछले 8 मैचेस में 13 विकेट्स लिए 4.93 की इकॉनमी और 12.46 के स्ट्राइक रेट के साथ। हालांकि इनके खेलने की संभावना काफ़ी कम है, तो अगर ये नहीं खेलते हैं तो इनकी जगह पर आप ट्रेंट बोल्ट को इस फैंटेसी 11 में रख सकते हो। और अंत में दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस मुकाबले के लिए मेरी अपनी विन प्रेडिक्शन के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर हम इन दोनों टीमों की प्लेइंग 11 का कंपैरिजन कर लें तो ओपनिंग के मामले में न्यूजीलैंड की टीम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। मिडिल ऑर्डर के मामले में अफगानिस्तान की टीम ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है। बैटिंग डेप्थ के मामले में दोनों टीमें बराबरी पर ही लग रही हैं। पेस बॉलिंग अटैक के मामले में भी न्यूजीलैंड की टीम काफ़ी ज़्यादा मजबूत है जबकि स्पिन बॉलिंग अटैक के मामले में भी न्यूजीलैंड का पलड़ा थोड़ा सा भारी नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल अगर आप प्लेइंग 11 का कंपैरिजन करोगे तो न्यूजीलैंड के पास ज़्यादा बैलेंस्ड और स्ट्रॉन्ग प्लेइंग 11 मौजूद है अफगानिस्तान के कंपैरिजन में। प्लेइंग 11 के हिसाब से मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड का पलड़ा जो है वो भारी है। इसके अलावा रीसेंट फॉर्म की अगर बात की जाएगी तो वहाँ पर भी न्यूजीलैंड को एडवांटेज हासिल है। अफगानिस्तान के बल्लेबाजों को पेसी और बाउंसी पिचेस पर बल्लेबाजी करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है और इसका एग्जाम्पल आपने पिछले मुकाबले में देखा भी था इंग्लैंड के खिलाफ जहाँ पर वो सिर्फ 112 पर ऑल आउट हो गए थे। यहाँ पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा स्विंग और पेस बाउंस देखने को मिलेगा तो अफगानिस्तान के बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं रहने वाला है। न्यूजीलैंड को इस पिच की और यहां की कंडीशंस ज्यादा सूट करेंगी। इसी वजह से दोस्तों मुझे लगता है कि इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम अपने फॉर्म की वजह से और कंडीशंस की वजह से फेवरेट्स स्टार्ट करेगी और ऐसे में इस मुकाबले की जो मेरी विन प्रेडिक्शन है वो न्यूजीलैंड के साथ ही जाने वाली है। फ्रेंड्स ये तो बात हो गई मेरी अपनी विन प्रेडिक्शन की। आपको क्या लगता है किस टीम की प्लेइंग 11 ज़्यादा मजबूत नजर आ रही है और आपके हिसाब से कौन सी टीम ये मुकाबला जीतेगी, न्यूजीलैंड या फिर अफगानिस्तान? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वहीं पर क्रिकेट मैचेस की फैंटेसी प्लेइंग 11, इसके अलावा क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज़ से सबसे पहले अपडेटेड रहने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।